चेंज, काम चेंज और एग्रेशन एट इट्स पीक दो। शबाब उनका मॉनिटर फिर से जाता है, ब्लैक को मैच से बाहर किया जाता है, शबाब के नाम से डांका कहलाता है, शबाब का फिर से नेड जाता है। मैंने कहा कि मुझे लगा आप लोगों को नहीं आ रही, लेकिन क्या है सॉल्टिक साइड ब्लीड स्प्रे, लुक एट दिस स्प्रे भाई, इस बंदे के जब भी स्प्रे जाते हैं ना 4x के, बहुत जालिम स्प्रे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यार गेमिंग पोर्टल जिनका नाम पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कास्टर्स में आता है, उन्होंने जो है वो कल PMPL स्क्रिम्स ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसमें PMPL पाकिस्तान की काफ़ी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और टीम क्लैरिटी और टीम IED ने भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो कल इसमें टीम IED ने जो है वो लगातार 3 मैच में बहुत कमाल की जो है वो परफॉर्मेंसेज दिखाई। एक मैच के अंदर तो उन्होंने 19 स्किल्स चिकन डिनर भी किया। तो यार जितनी भी उसमें फाइट्स थी वो मैंने सारी इस वीडियो में ऐड कर दी, और बाकी वीडियो भी लाजमी पूरी देखना, और अगर आपने इवेंट लाइव देखना हो तो उसकी भी लिंक्स जो है मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी वीडियो शुरू करने से पहले, इस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय FN। FN एक प्ले टू अर्न मेटावर्स गेम है जो कि पोकेमॉन गेम से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है, और ये एक फ्री टू प्ले गेम भी है, यानी कि इसके अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे ये गेम खेलने के लिए। मेटावर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस गेम को बनाया गया, और ये सबसे पहली गेम है जो फ्री टू प्ले गेम होगी, और ये इस साल के आखिर तक जो है वो लॉन्च भी कर दी जाएगी। इसका जो ट्रेलर है वो भी आ गया है, तो ट्रेलर की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप ट्रेलर भी वो देख सकते हैं। और इसकी प्री सेल जो है वो कुछ ही दिनों तक जो है वो शुरू हो जाएगी, तो आप उसमें भी पार्ट लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स जो है वो सारी इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रहने वाले हैं सपोर्ट, ये रोल हमें अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस समय शबाब विद द नीड्स। सो लुक एट दिस स्ट्रेटजी, टीम सॉल्ट साइड ऑल द वे मार्चिंग करते हुए, नीड्स यहां पे थ्रो किए जाते हैं ऑन टारगेट, ये नीड भी रह जाता है, नॉक भी डील किया जाता है, बट इन रिटर्न ब्लैक का फायर आता है, उसको नॉक किया जाता है, लेकिन शबाब विद द गोल्डन हैंड हियर एक और नेट थ्रो करेंगे, एक और नॉक उनके नाम यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्ट एक्स आइट शबाब एर बैक टू बैक नॉक्स कर रहे हैं, बैक एंड जाने वाले जिडान को भी नॉक कर जाएंगे। आइट शबाब क्या खा लिए लड़के भाई, क्या मतलब यहाँ पर जमे शबाब एक अलग ही यहाँ पर एग्रेशन इस मैच में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक नॉक्स डील कर रहे हैं, बैक टू बैक यहाँ पे प्लेयर को जमे प्लेयर बचाता भी जाता हुआ दिखाई दे जाता है। सो सॉल्ट एक्स आइट शबाब, दिस इज डेफिनेटली अ न्यू लुक ऑफ I8 गोस्ट, नाम चेंज, काम चेंज और एग्रेशन एट इट्स पीक दो। शबाब उनका मॉनिटर फिर से जाता है, ब्लैक को मैच से बाहर किया जाता है, शबाब के नाम से डांका कहलाता है, शबाब का फिर से नेड जाता है। ओ माय गुडनेस व्हाट ही जस्ट डिड आउट देयर, FS के स्क्वाड को नीड्स इस मैच से शबाब जो एलिमिनेट कर जा रहा है, टीम में बाकी टीम के अगेंस्ट यहां पे निकालने वाले शबाब विद द स्प्रेज अगेन, लेकिन इस दफा स्प्रे टारगेट पे नहीं जाता है, प्यारा बॉय वो भी आगे ने कोशिश कर, लेकिन गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है, शबाब गाड़ी ब्लास्ट कर जाते हैं, प्यारा बॉय को इस मैच से एलिमिनेट किया जाता है। क्लैरिटी का स्क्वाड हमें यहां पर जब इस मैच से मैच के अंदर जहां पर वोकल्स निकालते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पर सॉल्ट एक्स आइट शबाब भी अपनी टीम के लिए पांचवा किल कंफर्म कर सकते हैं, और वो अपना एंगल क्रिएट करने की कोशिश भी करें, लेकिन उसमें स्प्रे तो जिससे राउंड सर्वाइव को नॉक करते हैं, शबाब उठते हैं स्प्रे करते हैं, टीम वुड का नॉक किया जाता है, सिक्स्थ किल्स वो हमें यहाँ पर गोस के नाम जाता हुआ दिखाई देगा। शबाब is absolutely on fire here, back to back plays mein player mein kills karta hua dikhai de raha hai, coordinate jayega bleed unka bhi back end se spray jayega, khan ko is match se eliminate kiya jayega, and team clarity unfortunately wo is match mein nahi bach pate, clarity ka squad nikala jata hai, lekin glacier wo keh rahe hain broken wall pe maujood rehne wale hain, hammer aram team se kafi dur mein wo dusre ke liye glacier wo nikalne ki koshish karta hai, but no crypto ki aankhon ke samne se aap nahi ja sakte, lead ke crypto hame bahut stable spray dete hain, damage diya jata hai, instantly kill bhi confirm kar liya jayega, salt oxide crypto अपने लिए यहाँ पर जब पहला किला इस गेम के अंदर कंफर्म करते हुए दिखाई दे जाते हैं, बट फॉर टीम एफएस उनके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वसी इज गोना बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग है, जो कि किसी भी सूरत में यहाँ पर अरहम के पास नहीं हमें जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको पता लग चुका है अगर मैं यहाँ पर अरहम के पास जाता हूँ तो मैं भी अरहम की तरह अरहम के पास ही पहुँच जाऊँगा जहाँ पे अब वो जा चुके हैं। सो वसी एक अच्छा यहाँ पर डिसेंड पे ज्यादा क्रिप्टो उस पे हमें किया जाएगा, डैमेज दिया क्रिप्टो इज लोन एसपी, क्रिप्टो नॉक हो सकते हैं, क्रिप्टो ब्लेड जाएंगे फिर बच जाएगा, ब्लेड सामने आएंगे 1v3 की यहां पर करना पड़ेगा, क्रिप्टो इज लोन एसपी ब्लेड वो आगे बढ़ते हैं, 1v1 करना पड़ेगा ब्लेड उनका फायर आएगा, वसी विद द स्प्रे दो, लेट्स सी टीम क्लियर वो सॉल्ट अटैक स्क्वाड, वसी विद द स्प्रे दो, आई ब्लेड को भी नॉक करें, क्रिप्टो वो बैक एंड पे रहने वाले हैं, 1v1 के लिए आ गया, देन फाइनली यस इट विल बी क्रिप्टो जो इस फाइट को विन करते हैं, अनफॉर्चूनेटली वसी इस मैच में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ही एक्चुअली आउट देयर एज वेल, रिव्यूज वो साथ रहने वाले हैं, ब्लेड की बात की जाए वो भी अपने यहाँ पर पोजीशन होल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन फाइनली फायर एक्सचेंज हो गया, रिव्यूज विद द स्प्रे दो, टीम को नॉक कर देंगे जो कि टीम से ऑलरेडी एक अच्छा एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिस टाइम अराउंड जो रिव्यूज का फायर है
वो वुल्फ को नॉक करने के लिए काफी रेज आता है, दानी के ऊपर प्रेशर जरूर यहाँ पे बन जाएगा, प्रेशर के ऊपर हमें प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा। उस समय स्ट्रेट अवे नीड लेके आगे बढ़ रहे हैं, इनके नीड्स हमें जरूर यहाँ पर टारगेट फिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट लेट्स सी लेट्स वेट एंड वॉच के क्या वाकई नीड्स हैं वो टारगेट फिट करते हैं यहाँ पर नहीं, बिकॉज नीड्स हैं उनका टारगेट फिट करना खैर बहुत जरूरी रहेगा, लेकिन उस समय आगे जाते जरूर हैं बट नीड्स हैं फाइनली जहाँ पे इनके नीड हिट करने चाहिए थे वहाँ पे इनको भी नॉक कर दिया जाता है। टीम सॉल्ट एक्स आइट हमें डिसएडवांटेज पे आते हुए दिखाई दी जाती है, उजम इज दैट गाइस जो कि यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, ब्लेड का नीड जाता है, पेशो को नॉक किया जाता है, ट्रेड नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों टीम्स के दरमियान, दोनों के दरमियान जो मामला है वो हमें जरूर यहाँ पर जब मामला खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उजम अनफॉर्चुनेटली वो इस मैच से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, रिव्यूज़ भी यहाँ पर नॉक रहने वाले हैं, एक्स भी हमें जोन के जाते हुए नहीं दिखाई दे सकेंगे, दोनों टीमों के लिए मामला बहुत खराब है, बैक एंड से टीम एफएस के प्लेयर्स को टीम सॉल्ट एक्स आइट रिव्यूज़ भी नॉक कर जाते हैं, मजीद डैमेज डील किया जाता है, रिव्यूज वो दोनों किल चोरी कर जाते हैं, और इनफैक्ट वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा इस सिचुएशन का एडवांटेज कैरी करते हुए दिखाई देते हैं। दिस टाइम अराउंड ग्लेशियर को भी बैक सब करके ब्लेड्स हैं यहाँ पर इस मैच से एलिमिनेट कर जाएंगे, टीम एफएस जस्ट ट्रैप्ड हियर, एफएस के स्क्वाड को भाई बहुत गलत यहाँ पर जब तरीके से ट्रैप करके मार दिया जाता है, दोनों टीम यहाँ पर जब पिंच कर जाती है टीम एफएस के स्क्वाड को, एंड हमारी एक और टीम हमें इस मैच से बाहर होते हुए दिखाई दे जाती है। थोड़ी सी आवाज़ कम कर लेते हैं, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ऑल की, मतलब मैंने कम की, मुझे लगा आप लोगों को नहीं आ रही, लेकिन क्या सॉल्ट एक्स साइड ब्लेड स्प्रे, लुक एट स्प्रेज भाई, इस बंदे के जब भी स्प्रेज आते हैं ना 4x के बहुत जालिम स्प्रेज आते हैं, एक बार फिर से आपको इनके जो स्प्रेज हैं उनके उनका जो अच्छा यहाँ पर डैमेज है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल जाते हुए हैं। क्रिप्टो दूसरे पर देखेंगे, क्रिप्टो का स्प्रेज आएगा, कैलोके को नॉक किया जाएगा, किल कंफर्म करने के लिए जा रहे हैं इंस्टेंटली, देर इट इज, किल भी कंफर्म कर लिया जाएगा, रिव्यूज अब इनका किल रह चुका है, लेकिन इनके बिल्कुल सामने टीम MSX NFP का स्क्वाड रहने वाला है, कुछ नीड्स वो कर सकते हैं, सॉल्ट एक्स साइड ऑलरेडी अपने प्लेयर्स को स्प्रेड करवाने वाले थे, स्ट्रेट अवे पानी के अंदर जंप कर जाते हैं कुछ यहाँ पर, जब सोच के कि हम शायद इस जगह पर जो यही डिसीजन लेना हमारे लिए बेहतर रहेगा, और फाइनली ये चीज़ की जाती है, लेकिन बैक एंड से टीम इज सॉल्ट एक्स आइट के क्रिप्टो विद स्प्रे, दो वो मैरी को जरूर नॉक करते हैं, उनका किल कंफर्म कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैरी उनका किल कंफर्म किया जाता है क्रिप्टो के साइड से, वैसे रिव्यूज विल बी दैट अनलकी गाय जिनको खुद यहाँ पर भी नॉक होना नॉक किया गया था, लेकिन फाइनली उनको भी अप कर दिया जा चुका है, रन मिल चुका है, किल फिट फिर से लिट हो रही है, टीम सॉल्ट एक्स आइट बैक टू बैक किल्स निकाल रही है, बैक टू बैक डैमेज दिया जा रहा है टीम की साइड से, एंड किल्स का जो नंबर है वो इनफैक्ट यहाँ पर टीम 14 तक पहुंचा चुकी है, क्रिप्टो बदकिस्मत रहते हैं कि वो भी यहाँ पर नॉक हो जाते हैं, रिव्यूज़ की बात करें वो बदकिस्मत रहेंगे कि उनको भी यहाँ पर नॉक किया जा चुका है, लेकिन ब्लेड को किसी एक को जल्द जल्द रेव देना पड़ेगा, ब्लेड रेव दे रहे हैं क्रिप्टो को, की बात करें वो बैकेंड पर रहने वाले हैं सामान, उनको स्पॉट करेंगे, किल कन्फर्म कर लिया जाएगा, टीम I8 Esports ऑन द वेरी अदर साइड, दो क्रिप्टो वो फिर से दो किल्स हमें मजीद कंफर्म करते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्या उनके टीममेट जो यहाँ पे मौजूद थे उन दोनों का किल जो क्रिप्टो के नाम चला जाता है, सॉल्ट एक्स I8 16 किल्स जब इस मैच के अंदर निकाल चुकी है, डोमिनेटिंग द लॉबी दो टुडे, और ऑल द वे इस मैच को भी यहाँ पर टीम विन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस दफा रिव्यूज का जो फायर है उससे उनके लिए बचना काफी मुश्किल यहाँ पर रह सकता है, रिव्यूज स्पॉट कर चुके हैं, उसामा को आगे बढ़ना पड़ेगा, जोन का प्रेशर यहाँ पर रहेगा, पीक फायर वाली गेम जब वो चलने वाली है, उसामा ही हैज टू बी केयरफुल, दो किसी भी तरह से आगे आना है, जोन का प्रेशर है, रिव्यूज मिस नहीं करने वाले, दे वी हैव इट, रिव्यूज विद स्प्रे, दो उसामा को नॉक करते हैं, किल भी कंफर्म करने की कोशिश की जाती है, क्रिप्टो फाइनली वो किल भी कंफर्म करेंगे, मर्ज ही इज मूविंग ऑनवर्ड एज वेल, क्रिप्टो रिव्यूज उनको भी यहाँ पर ट्रैप करेंगे, फायर देंगे, स्टार इमर्ज ही इज नॉक्ड आउट एज वेल, टीम I8 इंस्टेंटली ऑपोजिशन को यहाँ पर हमें टेक डाउन करते हुए दिखाई दे जाती है, एक ऐसी पोजिशन से जहाँ पर लग रहा था कि शायद टफ जो है पोजिशन टीम के लिए रहेगी इस मैच के अंदर मैच को विन करने की, वहाँ जो है वो टीम अपने लिए मामला को हमें काफी हद तक सिंपल बनाते हुए दिखाई दे जाती है, दे जस्ट डोमिनेटेड रहेंगे, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्रिप्टो ब्लेड को नेड का नॉक कर चुके हैं, रिव्यू साथ रहने वाले हैं, 8 किल्स वो यहाँ पे कर चुके हैं, जोन के बाद साइको इस मैच से एलिमिनेट हो जाएंगे, इन टोटल अब बहुत एक बहुत 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 शानदार हमें यहाँ पर जो गेम प्ले है वो देखने को मिलेगा।